लाख घूस के लिए मेरे पास 1-2 लाख रहेगा तो खुद का बिजनेस नहीं करेंगे। घूस मांगा जा रहा था, कहाँ घूस मांगा जा रहा है, कहाँ घूस, जहाँ फॉर्म फिलअप होता है वहाँ पहले घूस लेता है, उसके बाद कॉलोनी लिखता है। बहुत गरीब है, मेरा घर द्वार जाके देखिएगा तब ना आपको पता चलेगा। किस चीज में अप्लाई किए जहाँ पे घूस मांगा गया, क्या चीज में अप्लाई किया? मेरे घर में मरेंगे न और मरने के बाद फांसी लगल है और कुछ होले है, उसका बाद में थाना वाला आएगा, पुलिस आएगा, मुखिया आएगा, सरपंच आएगा, सब कोई आएगा, लेकिन घर में कुछ हो रहा है तो कोई नहीं आएगा। अरे बिल्डिंग चोरी हो रहा है, 25,000 रुपया दीजिए, 30,000 रुपया दीजिए, तब आपको कॉलोनी मिलेगा। कॉलोनी भराने के लिए आए थे, टूटल फूटल घर है, कैसे रहे? तो भरा भराए भरा के तो दिए हैं, का होगा कैसे कहें? के पढ़ लिख के भी कुछ फैमिलिटीज नहीं मिलता है, बीए करो ये इंटर करो उसमें भी बैठे रहो आराम से घर कर करके, कुछ तो वैकेंसी निकालना चाहिए नॉर्मल भी, तो हाई निकालता है खाली घूस वाला। तो अभी अभी पैसा वही ना घूस दे के नौकरी लगेगा, रिश्वत ले के देता है कॉलोनी, चाहे गरीब हो या अमीर, रिश्वत ले रहा है तब दे रहा है। पहले मुखिया को नहीं बताए थे कि मेरा घर टूटा फूटा है? सब बताए थे, देख रहे पूरा घर में, पूरा घर जैसे टूटल है, गिर रहा है, समझे? अब गिर रहा है वैसे ही घर में कैसे रिपेयरिंग करके मतलब रह रहे हैं। फॉर्म जमा करो ये सब बिक दो है। पता है आपको पक्का घर जिसका रहेगा उसको नहीं मिलेगा बुआ? ये तो नहीं पता है, ये तो नहीं। घर पक्का है? पक्का थोड़ा सा है, बाकी माटी का घर पूरा गिर गया। अब कमाते खाते दूसरे घर चौका बर्तन करते हैं, खाते हैं और कोई रोजगार नहीं है। जिसको देखिए 2 तल्ला है 3 तल्ला वो भी अब आवास लेके बना लिया। बना लिया? हाँ। तो कैसे आप बोल रहे हैं सर? कैसे बोल रहे हैं? हम ऐसे बोल रहे हैं, देख के बोल रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं? आपको दिखा देंगे, साबित करवा दे, बोलिए। मुखिया से 5-6 मरतबे मिले, 10 मरतबे हो गया। विष्णु रजक था उस समय के भी बात है, मगर नहीं ध्यान दिया कोई भी नहीं। मुखिया का पक्ष है कि हम पैसा हमको आ रहा है, चलो आपको नाम से कॉलोनी मिल गया। 3-3 बजे जमा करो, कोई कागज ना तो वो कागज ना तो फिर भी कोई कौन कागज बनता से कागज दे वो कागज ना मिले। पैसा मिल रहा था से 1 साल से बंद हो गया। इतने दिनों में आपने सरकार से क्या लाभ उठाए हैं? इन 5 सालों में कितना क्या लाभ उठाए? कुछ नहीं मिला, वही बार बार प्रयास करते हैं कि घर मिल जाए, घर मिल जाए। लेबर उबर काट कर जो गरीबी है, डेली कमाते कम खाते हैं हम लोग। कॉलोनी आता पर कट जाता है। कॉलोनी हम लोग दे दीजिए कॉलोनी। झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार चल रहा है, ये है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का ये आपका बड़कागांव का मध्य पंचायत में हम खड़े हैं, और जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये महिलाएं हैं, ये आई हैं यहाँ पे कि सरकार आपके द्वार चलकर आई है तो कुछ काम हो जाए। तो हम यही महिलाओं से समझेंगे जिस काम के लिए आए थे वो काम हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग बगले में घर है बड़के का। हुआ जो काम करने आए थे हुआ? हाँ हो रहा है। क्या काम करने आए थे? आवास वाला। आवास वाला हो गया? हाँ, तो फॉर्म तो जमा किए हैं। फॉर्म जमा किए? हाँ। उससे पहले फॉर्म जमा किए थे? नहीं किए थे। नहीं किए थे? नहीं। आप कहाँ से आए दादी? बड़के गाँव से। बड़के गाँव से आए, क्या काम था? आवास कह के आए हैं। अबुआ आवास वाला? हाँ। तो पहले नहीं भरे थे अबुआ आवास? नहीं भरे थे। तो अभी भरने के लिए आए थे? हाँ। तो फॉर्म लिया? हाँ, फॉर्म जमा करे। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ मिला नहीं, तो खाली फॉर्म दे दिए? फॉर्म दे दिए। क्या काम कराने आए थे दादी? क्या तो क्या कराने आए थे जो नहीं हुआ? कॉलोनी लिखाने आए थे। तो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी भीड़ ज्यादा है? फार्म जमा कर दिए। इससे पहले अब आवास के लिए नहीं जमा किए थे? नहीं नहीं किए थे। चलिए इधर देखेंगे, ये भीड़ जो दिख रहा है आपको, ये अगर आप देखेंगे तो ये व्यवस्था है। और इसमें एक और बात ये है कि जितने भी मुखिया और जितने भी सरपंच हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। तो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार चलकर आई है, ये झारखंड सरकार का कहना है कि जितने भी जो ग्रामीण हैं, जो जनता है, वो जनता तक, वो ग्रामीणों तक सरकार पहुंचने की कोशिश करेगी। क्या कराने आए थे? कॉलोनी भराने के लिए आए थे, टूटल फूटल घर है, कैसे रहे? तो भरा भराए भरा के तो दिए हैं, अब का होगा कैसे कहें? अच्छा, अब तो क्या बोले अभी? अभी बोले जो ठीक है रखिए। हाँ। अब जो होगा से बाद में बताएंगे, फार्म जमा कर दिए। तो पहले मुखिया को नहीं बताए थे कि मेरा घर टूटा फूटा है? सब बताए थे, देख रहे पूरा घर में, पूरा घर जैसे टूटल है, गिर रहा है, समझे? अब गिर रहा है वैसे ही घर में कैसे रिपेयरिंग करके मतलब रह रहे हैं। तो उसको मैंने कुछ हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कमाते खाते दूसरे घर चौका बर्तन करते हैं और खाते हैं
और कोई रोजगार नहीं है, करेंगे बताइए। 15 सितंबर तक डेट बढ़ा दिया है तो आप नजदीक के प्रज्ञा के पहले मुखिया ब्लॉक सीओ वीडियो से नहीं मिले थे, वो सब हमारे बोलते बोलते हम एकदम हैरान हो गए हैं, उसका बाद में छोड़ दिया, फिर जब फिर पता चला तो फिर लास्ट में हम आए। इससे पहले वाली जो सरकार की योजना है उसमें भी भरे थे? हम नहीं भरे, उसमें नहीं भरे, नहीं हम अबर भरे हैं। पूरा घर टूट गया है? हाँ, गिर गया है। इधर घर कहाँ? घर पंडित मोहल्ला में, पंडित मोहल्ला। मुखिया तो नजदीक ही है यहाँ पे, मुखिया तो नजदीक में ही है यहाँ पे, तो कभी आए नहीं मिलने के लिए। देखिए, यदि घर में मरेंगे ने और मरने के बाद फांसी लगल है और कुछ होले है, उसका बाद में थाना वाला आएगा, पुलिस आएगा, मुखिया आएगा, सरपंच आएगा, सब कोई आएगा, लेकिन घर में कुछ हो रहा है तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे बुलाइएगा तो कोई नहीं आएगा। अभी बरसात में चूरा है घर। हाँ, चलिए। तो ये इनका कहना है कि अबुआ आवास जिनको मिलना चाहिए, ये तो देखिए शिकायतें आ रही है कि जिस प्रकार से जिनको अबुआ आवास मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। बताइए क्या हुआ? मेरा खपरपोस मकान है, घर ने अभी पानी चू रहा है, देखने वाला चीज है, जाकर निकवारी भी कर सकते हैं। मेरा नाम है संतोष प्रजापति। तो कभी मुखिया सीओ वीडियो से मिले नहीं? मुखिया से मिले तो मुखिया बोला ये आगे इंदिरा आवास तो मिलेगा। हाँ। कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई छानबीन करने वाला नहीं है। हाँ। छानबीन कर सकते हैं, देखने वाला चीज है। हाँ। कितने बार मिले मुखिया से? मुखिया से 5-6 मरतबे मिले, 10 मरतबे हो गया। हाँ। विष्णु रजक था उस समय के भी बात है। हाँ। मैं नहीं ध्यान दिया, कोई भी नहीं। काहे ध्यान नहीं दे रहे? अब काहे नहीं ध्यान दे रहे, क्या जानने के? मेरा मुखिया जानेगा। मुखिया जानेगा। हाँ, तो कभी मिले नहीं वीडियो सीओ से जाके? वीडियो सीओ से नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं, तो अभी बैठे हैं, जाइए। तो अभी दिए हैं भर के। हाँ, अभी दिए हैं। हाँ, तो कुछ मिला पावती वगैरह? नहीं, क्या मिलेगा, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? नहीं, पावती होती कुछ नहीं दी। कुछ नहीं दिया? इधर स्टाफ के पास जमा किया अबुआ आवास वाला, तो उसको कुछ तो लिखित नहीं दिया। पता है आपको पक्का घर जिसका रहेगा उसको नहीं मिलेगा अबुआ आवास? ये तो नहीं पता है। आ? ये तो नहीं पता। घर पक्का है? पक्का थोड़ा सा है, बाकी माटी का घर पूरा गिर गया। अच्छा, तो पक्का का घर बना तो लिए है ना? थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। हाँ, चलिए। तो ये यहाँ पे हैं लोग, अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। हाँ। जिसको देखिए 2 तल्ला है, 3 तल्ला, वो भी अब आवास लेकर बना लिया है। कितना बना लिया? हाँ, तो इसी पंचायत की बात कर रहे हैं? हाँ, इसी पंचायत की बात है। अरे, जिसका घर है 10 गो रूम है, वो भी अब आवास लेके घर बना रहा है। कैसे आप बोल रहे हैं सर? कैसे बोल रहे हैं? हम ऐसे बोल रहे हैं, देख के बोल रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं? आपको दिखा देंगे, साबित करवा दे, बोलिए कि जिसका पक्का घर है उसको भी अब आवास दे दिया गया? हाँ, दे दिया। कितना दे दिया? तो इसी पंचायत में? हाँ, इसी पंचायत में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गुरुदयाल राणा। गुरुदयाल राणा, चलिए। मतलब इसी पंचायत में आपका घर? हाँ जी। चलिए, मतलब आपका कहने का मतलब है जिसका बिल्डिंग चोरी हो रहा है, 25,000 रुपया चाहिए दीजिए, 30,000 रुपया दीजिए, तब आपको कॉलोनी मिलेगा। हाँ, ये मतलब आपका, आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, आरोप लगा रहे हैं। हाँ। और पहले से कितना बार बोलते हैं, कोई नहीं सुनता। हमको बोले पैसा चाहिए। हाँ। उसके बाद आपका कॉलोनी लिखाएगा, पास होगा। हाँ। तब मिलेगा। अच्छा, तो आप नहीं दिए? नहीं, हम नहीं दिए अभी। चलिए, तो घूस देना भी बुरी बात है, मतलब समझते ना कि घूस रिश्वत देकर वो चीज लेना? रिश्वत ले के देता है कॉलोनी, चाहे गरीब हो या अमीर, रिश्वत ले रहा है तब दे रहा है। पहले घूस ले रहा है, उसके बाद कॉलोनी। क्या बोल रहे काका? वही, पहले घूस लेता है, उसके बाद कॉलोनी लिखता देता है। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा यही घर हुआ। ये सब तो गलत होता है। चलिए, सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती हैं वो धरातल पर कैसे उतरती हैं, वो जीता जागता उदाहरण हमने भी आपको कितने बार दिखाया है, और कि अबुआ आवास में जिस तरह से जो लूट मची है, जिस तरह से लूट मच रहा है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि जिनके पास घर ऑलरेडी है क्या उनको भी अबुआ आवास दे दिया जा रहा है, जो घर बनाने के लायक नहीं है, जिनके घर टूट गए हैं, उनको मिल रहा है कि नहीं मिला, ये सरकार के जांच का विषय है, सरकार को जांच कराना चाहिए। फिलहाल जो महिलाएं आए हैं उनसे हम समझेंगे कि क्या उनको क्या लाभ मिला है। एक एक आदमी को मकान रहते हुए 2-3 बार कॉलोनी मिला है। वो तो एक टाइम लिमिट होता है, नहीं तो घर रहते हुए जैसे आप मुखिया का पक्ष है कि हम पैसा हमको आ रहा है, चलो आपको नाम से कॉलोनी मिल गया, ऐसा हुआ है? हुआ है। हाँ, और हमारा जानकारी है। आपका जानकारी है। चलिए, और भी महिलाएं हैं, उनसे हम समझेंगे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से आई हैं तू इन? अरे हाथों में चोट लगल हो तो? हाँ, टूटल हो। कहाँ से आई? बड़का गांव से। बड़का गांव से कहाँ चिकरावे आ ली?
वृद्धा पेंशन हाँ। तो इतना दिन से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा ना, ना मिला ना मिला। तो आज क्या बोल रहे? अब फॉर्म जमा करो ये सब बिक दो है। बिक दो हाँ। कहा है काज हाँ। काज लेबे ना करे थे का है का बोले तो कह दो फॉर्म ना लेबो बिक दो है फॉर्म बिक दो सबे के नाम लिखेले न खिया मतलब फॉर्म न खे भरे 3 बजे लिखो जाए 1 बजे ना भले आ फिर आले आई लिखवे आल है 1 बजे ना होवे कहिया कहिया कर ले लिए कर पहले वो कर ले ली हां भले जत दरबार ने हां भले 2 बजे लिखे बने लिए से ना बनले हां अब रोज पैसा है तो पैसा पैसा भी ना खया तोरो हां मैं आज भरो जाती है पहले से 3 बजे भरो जाना नहीं 3 बजे भरे ले 1 बजे ना एले एक बार ना एले ना और फिर भी कतनो कागज पत्र जमा करो कोई कागज ना तो वो कागज ना तो फिर भी कोई कौन कागज बनता से कागज दे वो कागज ना मिले कहां कर रहे हो बड़के का घर है बड़के का हां मुखिया कौन है मुखिया थका को थी ताको मियां तो कहियो मिलना ना करते मिलो बराबर बराबर कलन हां भरमा भर का दुआ बल दो 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 बस दो ये बस नाम होवे मेरी पैसा मिल रहा था से एक साल से बंद हो गया है काहे बंद हो गया तो पूछे नहीं कि मुखिया से मुखिया बोल देता कि 4-5 महीने के बाद मिलेगा 4-5 महीने के बाद मिलेगा हाँ। काहे तो पूछे नहीं काज ने काहे बोल देता कि हम नहीं जानते हैं तो अभी अभी क्या बोला अभी तो वहां को बताइबे नहीं करता नहीं हो रहा है से बोल रहे हैं क्या चीज करवाने आए मैं अबू आवास का फॉर्म भरा रहे हैं अबू आवास का खुद का भर रहे हैं ठीक है हां तो पहले नहीं भरे थे नहीं भरे थे तो पहले क्यों नहीं भरे थे 1-1.5 साल से चालू है अबू आवास नहीं भर पाए थे नहीं भर पाए थे तो पता है अबू आवास मतलब जो गरीब लोग रहते हैं उनको ही मिलता है उनको ही आएगा तो हम लोग हरिजन का मैं हरिजन जाते हैं हाँ। बहुत गरीब है मेरा घर द्वार जाके देखिएगा तब ना आपको पता चलेगा तो जब आप अगर आपका घर चू रहा है और आपका घर अगर टूटा ज्यादा टूटा हुआ है मेरा घर तो पहले कभी मुखिया से बात नहीं किए वीडियो से बात मुखिया से बात किए थे हाँ। तो बोले कि अभी फाथी होगा कैंप लगेगा तो उसमें चल जाइएगा नाम चढ़ा लीजिएगा अपना हाँ। हाँ। तो उनको बोले नहीं कि मेरा घर पहले आप कर दीजिए मेरा घर रहने लायक नहीं है बरसात में बोले तो है हाँ। अब देखिए क्या होता है सब पता नहीं और क्या लाभ यहाँ लेने आए थे और जैसे कि राशन कार्ड तो यहाँ से बनता नहीं है नहीं बन रहा है नहीं राशन कार्ड का यहाँ नहीं बाहर में बोला है बाहर में बोल दिया राशन कार्ड बने यहाँ नहीं बने नहीं तो लोग बना रहे हैं बोल रहे हैं राशन कार्ड नहीं यहाँ कहाँ ऑनलाइन हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है ऑनलाइन अच्छा ऑनलाइन नहीं हो रहा नहीं इतने दिनों में आपने सरकार से क्या लाभ उठाए हैं इन 5 सालों में कितना क्या लाभ उठाए कुछ नहीं मिला वही बार बार प्रयास करते हैं कि घर मिल जाए घर मिल जाए लेबर उबर काट कर जो गरीबी है डेली कमाते खाते हैं तो वही चाह है कि घर मिल जाए रोजी मिल जाए अभी फिलहाल कोई लाभ नहीं हुआ नहीं कुछ लाभ नहीं मिला क्या खाना डेली खाना क्या करने आए थे ताकि पढ़ लिख के भी कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलता है बीए करो ये इंटर करो उसमें भी बैठे रहो आराम से घर कर करके कुछ तो वैकेंसी निकालना चाहिए नॉर्मल भी तो हाई निकालता है खाली घूस वाला तो अभी अभी पैसा वही ना घूस दे के नौकरी लगेगा तो अभी अंबा जी निकाली थी शायद वैकेंसी महिंद्रा में तो वहाँ फॉर्म भरे थे सब बोलता है कि अतिथि के लिए होगा किसके लिए पैसा घूस मिलेगा तब होगा पैसा मतलब घूस देंगे तब मिलेगा जब घूस के लिए मेरे पास 1-2 लाख रहेगा तो खुद का बिजनेस नहीं करेंगे कहाँ घूस मांगा जा रहा था कहाँ घूस मांगा जा रहा कहाँ घूस जहाँ फॉर्म फिलअप होता है तहाँ हर चीज के लिए बोलता है कि नहीं होगा पैसा इसके आगे लगेगा पहले पैसा फेंकिए तब आपका फॉर्म किस चीज में आप अप्लाई किए जहाँ पे आपको घूस मांगा गया पहले इसलिए आदमी सब किस चीज में अप्लाई किए जहाँ पे घूस मांगा गया आपको क्या चीज में अप्लाई किए थे अभी हम अप्लाई नहीं किया है मतलब अगल बगल का करता है नहीं आप किए थे नहीं अगल बगल छोड़ दिए थे कहीं कॉलोनी आ रहा था से हम लोग कॉलोनी आता पर कट जाता है का करावे लेली दादी कर के हम भर के जाए थी भर के ले वो गजा भरौलिया कॉलोनी घर की पेंशनवा मिलो हा? हाँ पेंशन मिलो पेंशनवा मिलो हाँ कॉलोनिया ना मिलो कॉलोनिया नखा मिला नखा मिला कहाँ घरवा यहाँ गुरु चट्टी नवा टाइम घरवा पक्का खगो की खपरा हम हमार खपरा में ही है झोपड़ी में झोपड़ी में हाँ। तो काहे ना मिल मकनवा अब का आज आप लिख पढ़ के दिले है दताओ की ना दताओ से अब भगवान तो कर से पहले एकर से पहले ना बोल ली मुखिया के हमार घरवा खपरा खका बोलो है तब देख के जा हथिन तब दबे ना घर छिन ता का कर का बोलो ना एलो का कर तू लिखेबे ना घर ले वहां बैठबे ना घर ले जेबे ना घर ले ता का हो आज है से फिर ये लिया कॉलोनी हम लोग दे दीजिए कॉलोनी सरकार से मांगे क्या बोला
सरकार के हम लोग दे दिए हैं, लिख के दे दिए, सहोदरी दे दी। हाँ सहोदरी दे दी, अपन बुढ़िया के नाम दे दी। चलिए, पेंशन मिलता है? हमारा नींद है, मिलता है। हाँ क्या क्या बनाने आए थे? अभी खाली अधुआ बास वाला बनाई, अबुआ बास वाला बनाए। तो इससे पहले अबुआ बास भरे थे? नहीं भरे थे, नहीं कटा जाता था, रेवे नहीं करता है। भैया योजना में आया पैसा? हम नहीं भराए। आप नहीं भरे थे? नहीं, 50 साल मेरा हो गया। अच्छा, तो ये वृद्धा वाला भरे है 4 महीना पहले, तब वो अभी तक नहीं आया? नहीं आया। तो मतलब पेंशन नहीं आ रहा? पेंशन नहीं आ रहा। चलिए, तो फिलहाल यही है लेखा जोखा, और आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जो चल रहा है, आप देखेंगे चारों तरफ से भीड़ है। और फिलहाल हम हैं, ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का मध्य पंचायत है। तो फिलहाल यही है लेखा जोखा, क्योंकि दोनों पंचायत का, दो पंचायत का एक शिविर लगाया गया था। किसी को पेंशन नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है, तो किसी को मैया योजना में, किसी को मैया योजना में जो पैसे आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं फिलहाल, और कोई अबुआ आवास के लिए आया है। तो फिलहाल यही है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।